हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़। ऐसे डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है हमारे बॉडी में, उसे हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़फुल भी होते हैं। इवन मैक्सिमम बैक्टीरिया यूज़फुल ही होते हैं। बहुत कम ही परसेंटेज में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और जो डिजीज़ कॉज करते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स में यूज़ होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ किए जाते हैं। बैक्टीरिया ये हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे माउथ और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बैक्टीरिया का हमारे बॉडी के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे माउथ और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। इवन वो हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हर जगह पाया जाता है। दुनिया के हर कोने में बैक्टीरिया पाया जाता है। इवन उबलते हुए पानी में, बर्फीले पानी में, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया हर कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकता है। और बैक्टीरिया जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये बैक्टीरिया जो हमारे लाइफ में इतना पॉपुलर है, तो आइए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है और कुछ यूज़फुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, तो आज हम हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है। बैक्टीरिया भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनके शेप्स साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो, रॉड शेप, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। तो आइए हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो बैक्टीरिया से होता है। पहला है टिटनस। कॉजेटिव एजेंट कॉलोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो टिटनस कॉज करता है। सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण होते हैं वो है लॉक जॉ, ट्रबल सेलोइंग, जॉ क्रैम्पिंग, पेनफुल मसल स्टिफनेस ऑल ओवर दी बॉडी, हेडेक, फीवर एंड स्वेटनिंग। टेटनस में जो हमारा जॉ होता है वो लॉक हो जाता है, उसे हम मूव नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है ट्रबल सेलोइंग। हम जो भी फूड लेते हैं उसे हमें निगलने में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। जॉ क्रैम्पिंग, जो हमारा जॉ होता है उसमें पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है। पेनफुल मसल स्टिफनेस ऑल ओवर दी बॉडी, जो हमारे मसल्स होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और उनमें दर्द होता है। हेडेक, सरदर्द होना, फीवर एंड स्वेटनिंग, बुखार होना और पसीना आना, ये सब कुछ सिम्टम्स है टिटनस के। आपने देखा होगा कभी किसी आदमी को कील चुभ जाती है तो वो टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट है टिटनस का डीपीटी वैक्सीन। एक डीपीटी वैक्सीन आती है जिससे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए, ये टिटनस के डायग्राम को मैंने रिप्रेजेंट किया है। लॉक जॉ, जॉ लॉक हो जाना, डिफ़िकल्टी सेलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना एंड बॉडी स्पैम्स, मतलब बॉडी में पेन होना, ये टेटनस के सिम्टम्स है। सेकेंड है लेप्रोसी, इसको हैंसेन डिजीज़ भी कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी बैक्टीरिया का नाम है जो लेप्रोसी या फिर इसे हैंसेन डिजीज़ कहते हैं वो कॉज करता है हमारे बॉडी में। इसके सिम्टम्स है स्टिफ, थिक और ड्राई स्किन, ग्रोथ ऑन दी स्किन, नंबनेस ऑफ अफेक्टेड एरियाज ऑफ द स्किन,
मसल वीकनेस और पैरालिसिस, आई प्रॉब्लम्स दैट मे लीड टू ब्लाइंडनेस, पेनलेस स्वेलिंग और लम्ब्स ऑन द फेस, पेनफुल अल्सर ऑन द सोल्स ऑफ फिट, नोज ब्लिड्स या स्टफी नोज। इसमें जो होता है वो स्किन ड्राई हो जाता है, मोटा हो जाता है और स्किन पे कुछ नोड्यूल्स ग्रो कर जाते हैं लेप्रोसी में। नंबरेंस ऑफ अफेक्टेड एरियाज ऑफ स्किन, जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं स्किन के वो सुन हो जाते हैं। नंबरेंस मीन्स सुन होना। मसल वीकनेस और पैरालिसिस, मसल जो होते हैं हमारे बॉडी के वो वीक हो जाते हैं जिसके कारण हमें पैरालिसिस भी हो सकती है, हम पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। आई प्रॉब्लम्स डेट मे लीड टू ब्लाइंडनेस, आई प्रॉब्लम्स होती है हमें जिससे हमें अंधापन भी हो सकता है। पेनलेस स्वेलिंग और लम्ब्स ऑन दी फेस, स्वेलिंग हो जाती है हमारे बॉडी में और फेस पे लम्ब्स मीन्स गांठ, गांठ पड़ जाती है। पेनलेस अल्सर ऑन दी सोल्स ऑफ फिट, हमारे बॉडी में जो सोल्स होते हैं वहाँ पे पेनलेस अल्सर निकल आते हैं लेप्रोसी में। नोज ब्लेड, स्टफी नोज, नोज से खून निकलना, ब्लड आना या फिर स्टफी नोज मीन्स नाक भरना, मतलब रेस्पिरेशन में भी हमें प्रॉब्लम होती है लेप्रोसी में। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स है। यहाँ आप फिगर में देखिए, ये लेप्रोसी डिजीज़ का फिगर मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसमें जो लेग दिया हुआ है लेप्रोसी अफेक्टेड है, इसमें आप देखेंगे कैसे पेनलेस अल्सर निकल आते हैं हमारे लेग पे और स्वेलिंग हो जाती है। ये रहा लेप्रोसी। थर्ड है प्लेग, कॉजेटिव एजेंट होता है अर्सीनिया पेस्टिस। अर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है जो प्लेग कॉज करता है। सिम्टम्स है हेडेक, सर में दर्द होना, मसल एक मतलब मसल्स में पेन होना, सडन ऑनसेट्स ऑफ फीवर एंड चिल्स, शुरुआत में अचानक से फीवर होना, ठंड लगना, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, कफ खांसी आना विथ ब्लडी म्यूकस स्प्यूटम, जो हमारी थूक होती है स्प्यूटम होती है। प्लेग डिजीज़ में जब खांसी आती है तो उसके साथ ब्लड और म्यूकस भी निकलते हैं। चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना, शॉक नौसिया एंड वॉमिटिंग, जी मचलना और उल्टी आना, एक्सट्रीम वीकनेस बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना, डायरिया एंड वॉमिटिंग, स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम होना, वॉमिटिंग आना, डायरिया होना, ये सब सिम्टम्स है प्लेग के। इसके भी ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ये प्लेग का फिगर है, आप देखेंगे ये जो प्लेग के सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फोर्थ है कॉलेरा, कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई कॉलेरा कॉज करता है। इसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, उल्टी आना, वाटरी डायरिया, डायरिया होना, लेग क्रैम्प्स, पैरों में दर्द होना, क्रैम्पिंग होना, डिहाइड्रेशन, लो बीपी, बीपी लो हो जाना, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट रेट तेज़ हो जाना, मसल क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्पिंग होना, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो स्किन का इलास्टिसिटी होता है वो कम हो जाता है। कॉलरा जो होता है वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर कंजम्पशन से होता है। इसमें गंदे पानी या फूड से ये डिजीज़ होती है, गंदा खाना से और गंदे पानी से ये डिजीज़ फैलती है। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, इस डिजीज़ में भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जैसे बरसात के दिनों में बहुत सारे पानी जमा हो जाते हैं और उस गंदे पानी से कॉलरा फैलती है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे सी वाटर से कॉन्टामिनेटेड फूड, जो रोड पे के फूड्स होते हैं उससे कॉलरा जो होता है वो फैलता है। फिफ्थ है डिप्थीरिया, कॉजेटिव एजेंट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। सिम्टम्स है नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी आना, थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग योर थ्रोट एंड टॉन्सिल। हमारे माउथ में जो यूवेला होती है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो
वो जो हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम इविउला कहते हैं, उसके चारों तरफ टॉन्सिल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर का दिया हुआ है, टॉन्सिल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है डिप्थीरिया में। फीवर एंड चिल्स, बुखार लगना, ठंड लगना। स्वेलिंग ग्लैंड्स इन द नेक, नेक के पास जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ऑल्सो इन्फेक्ट दी स्किन, स्किन को भी इफेक्ट करता है, कॉजिंग ओपन सोर्स और अल्सर, जिससे सोर्स और अल्सर निकल आते हैं हमारे बॉडी में। ट्रीटमेंट है DPT वैक्सीन। डिप्थीरिया प्लेग ट्यूबरक्यूलोसिस वैक्सीन होता है। 6 है ट्यूबरक्यूलोसिस, पॉजिटिव एजेंट होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम TB भी कहते हैं। इन शॉर्ट जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस वो TB कॉज करता है। इसके सिम्टम्स होते हैं चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना और पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग। जब हम सांस लेते हैं या फिर हम खांसते हैं तो उस समय हमारे चेस्ट में पेन होता है। अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब अचानक से वजन कम हो जाना हमारे बॉडी का। कफिंग अप ब्लड और म्यूकस, जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से ब्लड और म्यूकस बाहर आता है। फैटिग, थकान हो जाना। लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख ना लगना। फीवर एंड चिल्स, बुखार लगना, ठंड लगना। नाइट स्वेट्स, मतलब रात के समय पसीने आना। ये सब कुछ सिम्टम्स है ट्यूबरक्यूलोसिस के। ट्रीटमेंट है BCG वैक्सीन, बैसिली कैलमिट क्वेरिन। ये BCG वैक्सीन ट्यूबरक्यूलोसिस में लेते हैं। यहाँ देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस के सिम्टम्स है, ड्यूरिंग कफिंग ब्लड आना, फीवर होना, चेस्ट पेन होना, ठंड लगना, वेट लॉस होना, रात में पसीने निकलना, लॉन्ग टर्म कफ, लंबे समय के लिए खांसी होना, नो एपिटाइट, भूख ना लगना, फैटिक, थकान होना। अगला है पर्टूसिस, जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। इसका कॉजिटिव एजेंट होता है बॉडी टीला पर्टूसिस। सिम्टम्स है रनिंग नोज, नोज से पानी निकलना, ओकेजनल कफ, कभी कभी खांसी आना, एपनिया, ए पॉज इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, लो ग्रेड फीवर, हल्की बुखार होना, रैपिड कफ फॉलोड बाई अ हाई पिच्ड वूप साउंड, एग्जहशन, वॉमिटिंग। रैपिड कफ होना, मतलब अचानक से खांसी आना और एक हाई पिच्ड साउंड निकलता है हमारे मुंह से, वूप्ड लाइक साउंड निकलता है वूपिंग कफ में, और एग्जहशन, थकान होना, और वॉमिटिंग, उल्टी आना। ये सब कुछ सिम्टम्स है पर्टूसिस के, यानी वूपिंग कफ के। इसका ट्रीटमेंट है DPT वैक्सीन। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम DPT वैक्सीन यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे इस फिगर में मैंने वूपिंग कफ को रिप्रेजेंट किया है। नंबर 8, सेफलिस। सेफलिस का पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनीमा पैलिडम। इसके सिम्टम्स है हेडेक, सर में दर्द होना, स्वेलन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में सूजन होना, फैटिक, थकान होना, बुखार होना, वेट लॉस, वजन कम होना, हेयर लॉस, एक्निंग जॉइंट, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होना, ब्लाइंडनेस, डिफनेस, अंधापन, बहरापन, मेंटल इलनेस, मेंटली इल होना, बीमार होना, मेमोरी लॉस, मेमोरी का लॉस होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या फिर जो बोन होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, हार्ट डिजीज, न्यूरोसिफिलिस। ये सब कुछ सिम्टम्स है सिफिलिस के। इसके ट्रीटमेंट में भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ये रहा सिफिलिस। 9th है गोनोरिया। गोनोरिया और सिफिलिस जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज होते हैं, मतलब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। जैसे गोनोरिया हो गई, ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। पॉजिटिव एजेंट है नाइसीरिया गोनोरिया। इसके सिम्टम्स है डिस्चार्ज फ्रॉम दी वजाइना, पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम दी पेनिस। वजाइना से डिस्चार्ज होना, पस लाइक डिस्चार्ज होना वजाइना से और पेनिस से।
पेन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, जब यूरिन बाहर निकालते हैं हम अपने बॉडी से तो उसके दौरान पेन होना या फिर जलन होना और सेंसेशन झंझनाहट होना, ये सब सिम्टम्स है। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस समय पेन होना। सोर थ्रोट, मतलब गला खराब होना, गला खराब हो जाता है। स्वेलिंग और पेन इन दी टेस्टिकल्स, जो मेन में टेस्टिकल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग होना, सूजन होना और पेन होना, ये सब सिम्टम्स है गोनोरिया के। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, इसमें भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ये आप देखेंगे ये गोनोरिया के सिम्टम्स है। यहाँ पे आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये पस लाइक डिस्चार्ज हो रही है। ये गोनोरिया बैक्टीरिया है, नाइसेरिया गोनोरिया, वाइट कलर का है वो, नाइसेरिया गोनोरिया है जो गोनोरिया कॉज करता है। नंबर 10 टाइफॉइड, कॉजेटिव एजेंट साल्मोनीला टाइफी। साल्मोनीला टाइफी बैक्टीरिया टाइफॉइड कॉज करता है। सिम्टम्स है फीवर, बुखार लगना, बॉडी पेन होना, एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द होना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना। टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है, उसे हम वाइडल टेस्ट कहते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। ये टाइफॉइड के फिगर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। नंबर 11 निमोनिया, कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। ये निमोनिया कॉज करता है। इसके सिम्टम्स है लंग्स, फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। निमोनिया में जो होता है हमारा लंग्स अफेक्ट होता है, इसमें बुखार होता है, कफ, खांसी आना, चेस्ट में पेन होना और सांस लेने में प्रॉब्लम होना। इसमें भी हम ट्रीटमेंट के तौर पे एंटीबायोटिक्स ही यूज़ करते हैं। तो ये रहा कुछ बैक्टीरियल डिजीज़। वैसे इतने ही डिजीज़ नहीं है जो बैक्टीरिया से होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं विच इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बट ये कुछ कॉमन डिजीज़ है जिससे हमने डिस्कस किया जो बहुत सारे लोगों को होती है, जिसका कॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है। यहाँ आप देखेंगे ये जो प्लेग के बारे में मैंने बताया जो अर्सिनिया पेस्टिस कॉज करता है, बहुत सालों पहले हमारे वर्ल्ड में प्लेग की महामारी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ये जो प्लेग होता है डिजीज़, ये चूहे से फैलता है ह्यूमन में। जैसे कुछ दिनों पहले हमारे वर्ल्ड में COVID-19 कोरोना वायरस की महामारी हुई थी जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, वैसे ही बहुत सालों पहले प्लेग की महामारी हुई थी जो कि चूहे से फैलता है ह्यूमन में। बट ये डिजीज़ अभी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल डिजीज़, ऐसे बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती है हमारे बॉडी में। तो हमने आज हार्मफुल बैक्टीरिया को पढ़ा जिससे हमें बीमारियां होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से होती है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।